हे गाइस, वेलकम टू इम्तियाज़ वर्ल्ड। दोस्तों, गूगल में ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो आप में से किसी को भी नहीं पता। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे पांच यूज़फुल ट्रिक्स लेकर आया हूं जो आपके बहुत काम आने वाले। तो वो ट्रिक्स कौन से हैं, जानने से पहले आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को भी ऑन करके रखना। Close till I get up. Time is barely on our side. गाइस, आप सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है, डेस्कटॉप मोड पे ले लीजिए, क्योंकि डेस्कटॉप मोड पे लेने से आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिलने के चांसेस है। इसके लिए मैं डेस्कटॉप मोड पे लेने के कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर द साइज ऑफ द स्पेस नील डॉट फन बोल के यहाँ पर सर्च करना है। तो यहाँ पर सर्च हो के आपको बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो दिख रहा ना, इसको क्लिक करना है। आप में से बहुत सारे लोगों को स्पेस के बारे में मालूम करना और प्लैनेट्स के बारे में मालूम करना, जो प्लैनेट कितना बड़ा है वो सारा इन्फॉर्मेशन मालूम कर लेने में आपको इंटरेस्ट होगा। तो ये जो ट्रिक है ना, ये आपके काम बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको इसमें आप मालूम कर सकते हैं कौन सा प्लैनेट कितना बड़ा है, पूरी सारी जानकारी इसमें आपको मिलती है। यहाँ पर आप राइट साइड करते ही आपको यहाँ पर देखो एस्ट्रोनॉट मिलता है, यहाँ पर एक एरोप्लेन, ऐसे सारी जानकारी मिल जाती। बड़ी साइज इंक्रीज होते रहे तो वो बढ़ते रहते, ये आपको बहुत काम आने वाला है, एक बार ट्राई करके देखना। दूसरा ट्रिक है दोस्तों, आपको इसी तरह समंदर के अंदर क्या क्या है मालूम कर लेने पे इंटरेस्ट हो तो ये ट्रिक यूज़ कर सकते। द डीप सी नील डॉट फन बोल के आप सर्च कर दीजिए। आपको यहाँ पर सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा उसको क्लिक करते ही यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर मिल जा। और यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करते ही आपको यहाँ पर आपको समंदर के अंदर के सारे जीव यहाँ पर बता देता, जो जीव कितने मीटर्स के अंदर है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती। समंदर के अंदर कितने जीव है और कितने अंदर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जानने में इंटरेस्ट है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं एक बार। दोस्तों, दूसरा ट्रिक है गूगल ग्रेविटी। ये ट्रिक आप फन के लिए यूज़ कर सकते हैं या किसी बच्चों के सामने एंटरटेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च करते, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखो गूगल ग्रेविटी बोल के ऑप्शन वेबसाइट आ जाएगा, इसे सर्च करते यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, नॉर्मल दिखेगा, लेकिन आप इसे टच कर दे यहाँ पर देखो सबके सब नीचे ग्रेविटी पूरी जीरो हो जाती है, यहाँ पर आप नीचे गिर जाते पूरे। चाहे तो आप यहाँ से सर्च भी कर ले सकते हो कुछ भी, और यहाँ पर आप सिर्फ एंटरटेन के लिए यूज़ कर सकते हो। बस एक बार ट्राई करना चाह रहे तो एक बार ट्राई कर लीजिए। दोस्तों, ये ट्रिक भी आपको फन क्रिएट करने के लिए है। ये देखो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा, ऐसे सर्च कर दीजिए द विजार्ड ऑफ ओजेड, सर्च करते जब आपको इस तरह का इंटरफेस आता। यहाँ पर देखो आपको शू दिख रहा है, इसको क्लिक कर दे आपको एक हर्रर साउंड आती है। यहाँ पर म्यूजिक नहीं लगाया मैं, लेकिन हर्रर साउंड आके ये गोल फिर के यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में आ जाता। और यहाँ पर आपको टर्नाडो दिखता है, इसको क्लिक कर दे आपको ये भी आपको ऐसे हर्रर साउंड आके यहाँ पर भी आपको और रिवर्स हो जाता है ये पूरा। ये भी आपके एंटरटेन के लिए और बच्चों को डराने के वास्ते यूज़ कर सकते, एक बार ट्राई करना चाह रहे तो एक बार ट्राई कर सकते आप भी। गाइस, ये ट्रिक यूज़ करके आप फ्री में गूगल में गेम्स खेल सकते हैं। यहाँ पर देखो स्लॉप गेम बोल के सर्च करते हैं आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप सर्च नीचे स्क्रॉल करते हैं आपको स्लॉप गेम बोल लेते हैं, यहाँ पर एक वेबसाइट आएगा, इसको क्लिक करते हैं आपको एक नया इंटरफेस ओपन होगा। ये इसमें आप फ्री में गेम्स खेल सकते हैं, आपके मोबाइल में 100% सपोर्ट करेगा, क्योंकि कम रैम वाले कम प्रोसेस वाले मोबाइल में ये सपोर्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर देखो आपको बहुत सारे गेम्स मिल जाते, यहाँ पर आप फ्री में गेम्स खेल सकते। आप पीसी में ट्राई करना चाह रहे थे, ये 100% सपोर्ट करेगा, कौन सा भी गेम फ्री में खेल सकते। एक बार ट्राई करना चाह रहे तो आप भी एक बार ट्राई कर लीजिए। दोस्तों, इस लिस्ट में ये आखिरी ट्रिक है द फेसेस ऑफ फेसबुक, मतलब इसको सर्च करते आपको सबसे पहले एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप इसको ओपन करते आपको जितने भी फेसबुक अकाउंट है सारे आपको एक स्क्रीन पर बता देगा और कितने बढ़ रहे लाइव अपडेट यहाँ पर आपको बताएगा। यहाँ पर देखो आपको कितने फेसेस है, आप जूम करके देखना चाह रहे तो आपका फेस यहाँ पर कहाँ पे है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको
लोकेशन के ऑप्शन भी दिखेगा, उसको क्लिक करते आपको आपके आसपास में जितने भी फेसबुक यूज़र्स हैं उनका फ़ोटो यहाँ पर आपको बता देता। और इसको क्लिक करके आप किसी को भी रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे तो आप उनको क्लिक करके आपकी फेसबुक लॉगिन कर लेके उनको रिक्वेस्ट भेज सकते। ये ट्रिक आपको खाली फेसबुक की जानकारी के लिए यूज़ होगा और आपका फेस कहाँ है कि वो ढूंढ भी सकते। आप एक बार ट्राई करना चाह रहे तो ट्राई कर लीजिए। दोस्तों ये ट्रिक्स आपको बहुत यूज़ हुएंगे समझ रहा हूँ, क्योंकि यूज़ हुए तो ये वीडियो लाइक करके शेयर करना आपके दोस्तों को और कमेंट करके बताना वीडियो में ये जो ट्रिक्स बताया आपके काम आने वाले हैं नहीं है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहते। थैंक यू।